अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है सेंसेशन। सेंसेशन क्या होती है, ये किस तरह से काम करती है और इसके कौन कौन से ज़राए होते हैं। हमने पहले भी सेंसेशन को डिस्कस किया था और आज हम सेंसेशन को ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सेंसेशन क्या होती है। व्हाट इज सेंसेशन? सेंसेशन एक प्रोसेस है जिस जो आउटसाइड द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड में इंटर करता है और इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर हमारा एटीट्यूड बनता है, हमारे बिहेवियर बनते हैं। कौन सा प्रोसेस होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसमें आउटसाइड द वर्ल्ड तमाम इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में इंटर होती हैं और जो कुछ भी हम इस दुनिया में देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन भी हमारी फाइव सेंसेस के थ्रू हमारे अंदर आ रही होती हैं, हम वो सारी की सारी आउटसाइड द वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। अब वो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर इंटर होती है, हमारे माइंड में स्टोर होती है और उसी इन्फॉर्मेशन की बेस पर हमारे हम वैसा रिएक्ट करते हैं, हमारा एटीट्यूड बनता है, हमारे बिहेवियर्स वैसे बन जाते हैं। और ये सेंसेस जो हैं हमें फाइव सेंसेस के थ्रू आती हैं। अब ये फाइव सेंसेस कौन सी होती हैं? वो है हमारे आइज, नोज, टंग, स्किन, एयर्स। ये फाइव सेंसेस हमारी, इन फाइव सेंसेस के थ्रू सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे माइंड में स्टोर होती है कि हम आंखों से जो कुछ देखते हैं वो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन आती है, हम नोज से जो स्मेल करते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में आती है, हम जुबान से जो किसी चीज़ का जायका चखते हैं तो वो हमारे माइंड से आती हैं, जो स्किन पे कोई चीज़ टच हो जाए तो वो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और इसके अलावा हम कानों से किसी आवाज़ को सुन लेते हैं तो उस आवाज़ का तयन करना, उसकी डायरेक्शन का पता चलना और उसकी ये पता लगना कि ये किस किस्म की आवाज़ है, तो ये सारी की सारी क्या इंफॉर्मेशन है? ये आउटसाइड द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन है और ये हमारे माइंड में आती है। जैसे ही किसी स्टिमुलेंट को देख के इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में आती है तो वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर होती है और उसी की बेस पे हम वैसा रिएक्ट करते हैं। ये हमारा बिहेवियर है, जो जैसा हमने बना लिया उसके बिना पे हमारा रिएक्शन होगा और वो सारा का सारा सेंस की बेस पे हो रहा होता है। अब हमने डिस्कस करना है कि सेंसेशन जो है इन फाइव सेंसेस के थ्रू किस तरह से वर्क करती है। अब कहते ये हैं कि अ सेंस जो है एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसलेट करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम आउटसाइड द नर्वस सिस्टम इन टू द न्यूरल एक्टिविटी। ट्रांसलेट करता है इंफॉर्मेशन को आउटसाइड द नर्वस सिस्टम, आउटसाइड द नर्वस सिस्टम से इन टू द न्यूरल एक्टिविटीज में। दिस न्यूरल एक्टिविटी टेल्स द ब्रेन समथिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस। और ये न्यूरल एक्टिविटीज जो है वो ब्रेन को ये बताती है कि स्टिमुलेट कैसा है, या जो चीज़ आपने देखी है या सुनी है या चखी है या आपने कोई चीज़ टच हुई है तो ये बताना कि वो किस तरह की है, ये न्यूरल एक्टिविटीज़ ब्रेन को बताती है। दिस मैसेजेस फ्रॉम द सेंसेस आर कॉल्ड सेंसेशन। और ये जितने भी किस्म के मैसेजेस होते हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इनको सेंसेशन कहा जाता है। अब सेंसेशन क्या करती है? सेंसेशन प्रोवाइड करती है एक ऐसा लिंक, सेंसेशन एक लिंक प्रोवाइड करती है बिटवीन द सेल्फ एंड द वर्ल्ड आउटसाइड द ब्रेन। सेंसेशन लिंक प्रोवाइड करती है सेल्फ और वर्ल्ड आउटसाइड द वर्ल्ड के दरमियान ब्रेन को, ठीक है। और सेंसेशन हेल्प करती है शेप करने में बहुत सारी किस्म की बिहेवियर्स को, यानी हमारा जिस हम जाहिर सी बात है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और सबका बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, हर बंदे का अपना अपना एटीट्यूड होता है, अपना बिहेवियर होता है। और सेंसेशन आपके उसी बिहेवियर को, जिस किस्म का भी बिहेवियर होगा उसको शेप देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और मेंटल प्रोसेस को भी शेप देने में आपकी हेल्प करती है। सो हम कह सकते हैं कि सेंसेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग स्टिमुलस एनर्जीज।
हम ये कह सकते हैं कि सेंसेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो रिसीविंग स्टिमुलस एनर्जीज यानी स्टिमुलस की एनर्जीज को रिसीव करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी आपके बैरूनी माहौल से इंफॉर्मेशन को उठाता है या बैरूनी माहौल से स्टिमुलस एनर्जीज रिसीव करता है। अब स्टिमुली क्या होता है? अब स्टिमुली वो कहते हैं कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एनर्जी। स्टिमुली जो है वो किस पे मुश्तमिल होती है? वो फिजिकल एनर्जी पे मुश्तमिल होती है। सपोज दैट जैसे लाइट है, साउंड है एंड हीट है। अब ये क्या है? ये आपके स्टिमुलेंट है। लाइट है, लाइट आप आंखों से देखते हैं, इसका पता चलता है ये किस तरह की है। लाइट तेज है, हल्की है, मध्यम है, आपकी आंखों में पड़ी है, बर्दाश्त कर सकते हैं नहीं कर सकते, या बहुत ज्यादा कम है तो आपकी आईज उसको सही तरह से चीजों को नहीं देख पा रही, तो वो उसका इफेक्ट आपके माइंड पे जरूर होता है, आपकी आंखों पे उसका इफेक्ट जरूर होता है। साउंड की आवाज सुनते हैं तो उसका तयन करना, कहाँ से आ रही है ये आवाज, किस सेंट से आ रही है, किस किस्म की आवाज है, लाउड है, सॉफ्ट है, इस चीज का देखना है, हीट का पता करना। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपकी तमाम मादी चीजों से रिलेटेड जो है वो स्टिमुलेंट है, इसलिए इसे फिजिकल एनर्जी कहा जाता है। स्टिमुलस इज अ डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स। अब स्टिमुलेंट जो है वो डिटेक्ट करता है स्पेशल किस्म के रिसेप्टर सेल्स होते हैं इन दी सेंस ऑर्गेन, यानी हर सेंस ऑर्गेन के एक अपने अपने सेल्स होते हैं जिन्हें रिसेप्टर सेल्स कहा जाता है, और वो डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को उसी उसी अपने ऑर्गेन सेंस ऑर्गेन की हेल्प से, विच आर जो के आपके आईज हैं, ईयर्स हैं, स्किन है, नोज है एंड टंग है। ये 5 सेंसेस हैं जिनके थ्रू आप किसी भी स्टिमुलेंट्स को डिटेक्ट करते हैं, और हर सेंस का एक अपना स्पेशलाइज किस्म का रिसेप्टर सेल्स होते हैं जिसकी मदद से वो चीज़ों को या स्टिमुलेंट्स को डिटेक्ट करते हैं। अब वो कहते हैं जब ये रिसेप्टर्स सेल्स जो हैं आर रजिस्टर्ड इन अ स्टिमुलस, रजिस्टर्ड अ स्टिमुलस, जब ये रिसेप्टर सेल्स रजिस्टर कर लेते हैं किसी भी स्टिमुलस, यानी सपोज हमने कोई भी चीज़ देखी है और उसको फौरी तौर पे हमारे सेंस में आई है और हमने उसको फौरी तौर पे वो हमारे रिसेप्टर्स ने उसको रजिस्टर कर लिया है। द एनर्जी इज कन्वर्टेड टू एन इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स, और एनर्जी जो है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स में, और दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग, और ये जो प्रोसेस है जो इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है और या ट्रांसफर करता है फिजिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में, इस कॉल्ड ट्रांसडक्शन, इसको ट्रांसडक्शन कहा जाता है। अब ट्रांसडक्शन क्या होता है कि फिजिकल ट्रांसफर करना फिजिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में, इस कॉल्ड ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन क्या है? वो ट्रांसडक्शन क्या करता है? ट्रांसडक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है, एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। जो रिले इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन को मुंतकिल करता है या ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को अबाउट द स्टिमुलस, जो भी आपने स्टिमुलस देखा है, सुना है, चखा है, टच किया है, या आपने उसको स्मेल किया है, किसी किस्म का भी स्टिमुलस है, वो इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो नर्वस सिस्टम तक ब्रेन में पहुंच जाएगी कि ये किस किस्म का स्टिमुलस है। यानी ट्रांसडक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है एक एक्शन पोटेंशियल जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है अबाउट द स्टिमुलस के बारे में, स्टिमुलस के बारे में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है किसके जरिए से? नर्वस सिस्टम के जरिए से टू द ब्रेन, ब्रेन तक, नर्वस सिस्टम के जरिए से वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर कौन करता है? ये ट्रांसडक्शन, यानी ट्रांसडक्शन जो है वो एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है, और एक्शन पोटेंशियल जो है वो इंफॉर्मेशन को आपके स्टिमुलस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको वो नर्वस सिस्टम के जरिए से ब्रेन तक कन्वर्ट पहुंचा देता है, और जब ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच जाती है तो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है अपने एप्रोप्रिएट एरिया तक। ठीक है, यानी अब जो भी इंफॉर्मेशन है वो जहां तक आपकी जहां जो जो उसकी मंजिल है, जो उसका एंड है, वहां तक पहुंचने में जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन एप्रोप्रिएट एरिया में पहुंच जाती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जरिए से।
ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि सेंसेशन होती क्या है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, किस तरह से जाती है, या किस तरह से रिसेप्टर्स उसको रिसीव करते हैं, और वो किस तरह से फिजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस में चेंज करता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ये सारे का सारा आपने, जब आपसे क्वेश्चन आए कि व्हाट इज सेंसेशन, तो ये आपने उसके अंदर पुट करना है सारे की सारी इंफॉर्मेशन। अब हमने डिस्कस करना है कि सेंसरी सिस्टम क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। एक सेंसरी सिस्टम है जिसके थ्रू हमारी सेंसेशन काम करती है, तो वो सेंसरी सिस्टम क्या होता है। वो कहते हैं ये द सेंसेस गैदर इंफॉर्मेशन, यानी ये जो फाइव सेंसेस होती हैं ये इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती हैं अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, बाय डिटेक्टिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी बहुत सी किस्म की एनर्जीज की फॉर्म में, सच एज साउंड, लाइट, हीट एंड फिजिकल प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, अब मिसाल के तौर पर कहते हैं कि आइज डिटेक्ट करती है लाइट एनर्जी को। हर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर सेंस का एक अपना अपना काम है। जैसे आप सपोज दैट, हम मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक हम इदारा चलाते हैं, आप उसमें एक प्रिंसिपल होता है, एक एडमिन होता है, कोऑर्डिनेटर होता है, एक पीएन होता है, एक माली होता है। अब जो प्रिंसिपल साहब हैं उनका एक अपना काम है, उन्होंने अपने काम ही से ही रिलेटेड सारे काम करने हैं। एडमिन ऑफिसर है तो उसका अपना काम है, उसने अपना ही रिलेटेड काम करना है। कोऑर्डिनेटर की जो भी नेचर ऑफ जॉब होगी वो उसी से रिलेटेड, माली का काम है पौधों को देखना तो वो पौधों को देखेगा, पीएन का काम है बाकी मामला जो भी कॉलेज के हैं, सफाई सुथराई ये वो उनको देखना, और जो गार्ड है तो गार्ड की ड्यूटी सिक्योरिटी की है, तो वो लिहाजा अपनी सिक्योरिटी का। इसी तरह से जो फाइव सेंसेस हमारे अंदर काम कर रही हैं, हर सेंस का एक अपना अपना काम है। जैसे आईज है, उसका काम है विजन, विजन करना, एयर, एयर का काम है सुनना, तो वो सुन के इंफॉर्मेशन को जो भी आगे मजीद प्रोसेस करते हैं। इसी तरह से हर हमारे सेंस ऑर्गेन का एक अपना अपना काम है। तो इसी तरह से जैसा कि वो बताते हैं कि आइज जो है, आइज डिटेक्ट करती है लाइट एनर्जी को, द ईयर डिटेक्ट करते हैं एनर्जी फील्ड को एंड प्रेशर को, ह्यूमन डिपेंड्स प्राइमरी ऑन विजन, हेयरिंग एंड द स्किन सेंसेस टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, दे डिपेंड लेस देन अदर एनिमल्स ऑन स्मेल एंड टेस्ट। अब कहते हैं कि ये तमाम सेंसेस जो हैं वो डिटेक्ट करती हैं स्टिमुली को, एनकोड करती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था मेमोरी के चैप्टर में कि किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है हमारे माइंड में एनकोड होती है, वही इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में एनकोड होती हैं जिनको हम अटेंशन देते हैं, जिनके ऊपर हमारा फोकस होता है। All senses detect the stimuli, encode them into neural activity, और ये जो एनकोड की भी इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूरल एक्टिविटी में उसे कन्वर्ट करते हैं एंड ट्रांसफर की जाती है दिस कोडेड इंफॉर्मेशन इंटू ब्रेन, और ये जो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे ब्रेन को ट्रांसफर हो जाती है। एज सेंसरी सिस्टम, जैसा कि सेंसरी सिस्टम जो है वो ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को टू द ब्रेन तक, इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज भी करता है उन इंफॉर्मेशन को और ट्रांसफर भी करता है इंफॉर्मेशन को। सेंसरी सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर भी करता है और ऑर्गेनाइज करने का काम भी करता है, और ये ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन जो है वो उन्हें हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये ऑर्गेनाइज की हुई इंफॉर्मेशन जो होती है उसे हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन जो है ऑफ विजन, हेयरिंग एंड स्किन सेंसेस इन द कॉर्टेक्स शेयर द फॉलोइंग फीचर्स। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, यानी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच ऑफ दीज सेंसेस, यानी इंफॉर्मेशन जो है हर सेंस से जो आने वाली इंफॉर्मेशन है रीचेज द कॉर्टेक्स, यानी हमारे ब्रेन में एक हिस्सा है जिसे हम कॉर्टेक्स का नाम देते हैं, वो कॉर्टेक्स तक पहुँचती है किसके जरिए से, थैलेमस के जरिए से। अब थैलेमस जो है वो हमारे ब्रेन का एक मेन पार्ट है, और ऑल सेंसरी सिग्नल्स जो है गो थ्रू द थैलेमस, जितनी भी सेंसरी हमारी इंफॉर्मेशन के सिग्नल्स हैं वो कहाँ से गुजर कर आते हैं, वो थैलेमस से गुजर कर ही जाते हैं। और थैलेमस जो है वो एक ब्रेन का जो है वो बहुत बड़ा एक स्टेशन है, रिले स्टेशन कहा जाता है उसको, रिले स्टेशन से मुराद ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन स्टेशन, के कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है वो कहाँ से ट्रांसफ़र होती है, वो थैलेमस से ट्रांसफ़र होती है। तो लिहाजा ये हमारा एक मेन स्टेशन है, मेन स्टेशन है जहाँ से सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन में ब्रेन से ट्रांसफ़र होती है मुख्तलिफ एरियाज को। फ्रॉम द थैलेमस द सिग्नल गो टू द सेंसरी एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स। अब वो कहते हैं थैलेमस से जो सिग्नल्स हैं वो सेंसरी एरियाज को, कॉर्टेक्स तक जाते हैं, जहाँ पे
ये इंफॉर्मेशन जो है वो मॉडिफाई भी होती है, डिस्ट्रीब्यूट भी होती है थ्रू आउट अ वास्ट नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। अब ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी कहाँ पे, जब वो एयर थैलेमस से कॉर्टेक्स तक जाती है वो मॉडिफाई भी होती है और वहाँ से जाके वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। जिस जिस ऑर्गेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो जहाँ जो अपने मतलूबा जगह तक पहुँचती है तो वो यहीं से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। पूरे के पूरे आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स काम करते हैं, अब वो उन न्यूरॉन्स को आगे ट्रांसफर की जाती है ताकि वो न्यूरॉन्स मजीद आगे इस इंफॉर्मेशन को मजीद प्रोसेस में ले आए। अब नंबर दो है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंसरी वर्ल्ड इन द कॉर्टेक्स इज सेंट्रल लेटरल टू द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बीइंग सेंस। इट मींस लेफ्ट साइड ऑफ द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स सीज द राइट साइड ऑफ द वर्ल्ड एंड वाइस वर्सा। दिस हैपन्स बिकॉज नर्व फाइबर्स फ्रॉम ईच साइड ऑफ द बॉडी क्रॉस ऑन देयर वे टू द थैलेमस। यानी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो जो ये जो रिप्रेजेंटेशन की हुई इंफॉर्मेशन जो है जो आपकी सेंस में आई है वो कॉर्टेक्स से मजीद जो है वो आप वो थैलेमस से कॉर्टेक्स तक आती है, कॉर्टेक्स से वो आगे आपकी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ न्यूरॉन्स को ट्रांसफर होती है, न्यूरॉन्स इसको मजीद आगे प्रोसेस करते हैं। द कॉर्टेक्स कॉन्टेन्स मैप। कॉर्टेक्स जो है वो कॉन्टेन होता है एक मैप पर, आर टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। इसको यानी मैप को टोपोग्राफिकल फॉर्मेशन भी कहा जाता है, टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है ऑफ ईच सेंसेस। हर सेंसेस की एक टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी दो पॉइंट्स दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर इन द स्टिमुलस आर रिप्रेजेंटेड नेक्स्ट टू ईच अदर इन द ब्रेन, देयर आर मल्टीपल मैप्स ऑफ ईच सेंस। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे किस्म के मैप हैं हर सेंस के, एरिया ऑफ कॉर्टेक्स एंड रिसीव्स द इनपुट डायरेक्टली। अब एरिया ऑफ कॉर्टेक्स जो है वो इनपुट करता है डायरेक्टली, एरिया ऑफ कॉर्टेक्स जो है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है या इनपुट को रिसीव करता है डायरेक्टली। यानी कोई उस इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं होती, वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कहाँ से, थैलेमस से। दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉर्टेक्स ऑफ द सेंस। इसको हम प्राइमरी कॉर्टेक्स ऑफ द सेंस कहते हैं। नेक्स्ट नंबर फोर है, वो कहते हैं द डेंसिटी ऑफ द नर्व फाइबर एट एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेंस ऑर्गेन्स थैलेमस, द एक्सटेंट ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेशन इन द कॉर्टेक्स। इन शॉर्ट सेंसरी सिस्टम कन्वर्ट एनर्जी इनटू न्यूरल एक्टिविटी। जैसा कि हमने पहले मैंने आपको ये सेंसेशन में बताया कि सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है कन्वर्ट एनर्जी, एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू न्यूरल एक्टिविटी में कन्वर्ट करती है। दिस पैटर्न ऑफ न्यूरल एक्टिविटी एनकोड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये जो पैटर्न ऑफ न्यूरल एक्टिविटीज है या इसका जो भी तरीकाकार है वो एनकोड्स करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑफ द एनर्जी को। द कोड्स आर मॉडिफाइड एज अ द इंफॉर्मेशन। अब कोड्स जो हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं। ये किसका मॉडिफाई करना किसका काम है, मॉडिफाई करना जो है वो इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइज होती हैं और मॉडिफाई की जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और ये मॉडिफाई करना जो है वो हमारे थैलेमस का काम है जो कि एरिया ऑफ कॉर्टेक्स, सेंसरी एरिया ऑफ कॉर्टेक्स तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है और वहां से फिर इंफॉर्मेशन मॉडिफाई होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है तमाम के तमाम न्यूरॉन्स को। अच्छा जी, एज इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर टू द ब्रेन एंड प्रोसेस फर्दर। और जब ये इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर हो जाती है टू द ब्रेन, ब्रेन को तो वो मजीद आगे उसकी फर्दर जो है वो हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को। अगला हमारा है सेंसरी रिसेप्टर। अभी हमने पढ़ा कि सेंसरी सिस्टम किस तरह से काम करता है, कि किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो हम पहले सेंस करते हैं, फिर वो एनकोड होती हैं, न्यूरल एक्टिविटीज में चेंज होती हैं और वो एनकोडेड इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हमारे थैलेमस तक पहुंचती है। और थैलेमस क्या है, वो हमारा एक मेन जो है वो रिले स्टेशन है जहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ एरियाज को डिस्ट्रीब्यूट होती है या मॉडिफाई होती है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू आउट द न्यूरॉन्स होती है। ठीक है,
अब हमने पढ़ना है कि सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ऑल सेंसेशन बिगिंस विद सेंसरी रिसेप्टर। अब तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारी सेंसेशन है वो कहाँ से शुरू होती है, वो सेंसरी रिसेप्टर से शुरू होती है। रिसेप्टर इसकी बहुत ही अहम जूस है। सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज सेल। अब सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं उनके एक स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुलस इंफॉर्मेशन को, यानी स्टिमुलस किसी भी स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन को थ्रू द सेंस, वो सेंसरी नर्व्स में लेकर आते हैं और उन स्टिमुलस की जो इंफॉर्मेशन होती है उनको सेंसरी नर्व्स में लेकर आते हैं एंड दी ब्रेन और ब्रेन तक लेके आते हैं। तो ये होते हैं सेंसरी रिसेप्टर। यानी सेंसरी रिसेप्टर हमारी कोई भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है या हमारी किसी भी किस्म की सेंसेशन जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स के साथ ही शुरू होती हैं। और सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो स्पेशलाइज किस्म के सेल्स होते हैं जो कि किसी भी किस्म के स्टिमुलस को डिटेक्ट करती हैं, किसे ट्रांसमिट करती हैं, इसकी इसी इंफॉर्मेशन को कहाँ तक वो ट्रांसमिट करती हैं, सेंसरी नर्व्स तक, वो सेंसरी नर्व्स तक इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती हैं और वो ब्रेन तक, फिर नेक्स्ट वो ब्रेन तक जाती हैं। अब सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो डिफरेंट न्यूरल पाथ होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स के डिफरेंट न्यूरल पाथ होते हैं या पाथवेज होते हैं। और ये जो पार्टिकुलर या स्पेशलाइज किस्म स्पेशलाइज सेल्स होते हैं टू एब्सॉर्ब अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी, एब्सॉर्ब करते हैं पार्टिकुलर यानी खास किस्म की एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, जिसके लाइट है, मैकेनिकल है और केमिकल एनर्जी है एंड कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रो केमिकल एनर्जी ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया, यहाँ भी ये काम रिसेप्टर्स, मेन काम तो रिसेप्टर्स का ही है और आगे न्यूरॉन्स, यानी हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स भी काम करते हैं और बहुत सारे जो है रिसेप्टर्स भी काम कर रहे होते हैं जो हमारी तमाम सेंस की हुई इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में और फिर मजीद ये आगे एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है और वो फिर हमारे मुख्तलिफ एरियाज तक पहुँचती है। ये हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स का काम होता है। Humans have multiple receptors. अब इंसान के अंदर बहुत सारे receptors होते हैं और ये sense organs and sensory receptors fall into several main classes. इनको मुख्तलिफ categories में divide किया गया है based on type of energy, जिसको based on जो कि type of energy के बिना पर इनको मजीद classify किया गया है, that is transmitted, these included. अब इसमें हम कहते हैं photo reception detect light. अब photo reception जो है number one photo reception, ये रिसेप्टर्स के नाम हैं जो कि फोटो रिसेप्शन डिटेक्ट लाइट लाइट को डिटेक्ट कर रही है। स्पेशल किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लाइट जो जिसका नाम है फोटो रिसेप्शन और ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं। और नंबर दो पे हमारे पास है मैक्नो रिसेप्शन। अब मैक्नो रिसेप्शन क्या होते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं प्रेशर को, यानी प्रेशर को, वाइब्रेशन को और मूवमेंट को। इनका काम है मैक्नो रिसेप्शन जो है इनका ये काम है कि प्रेशर को डिटेक्ट करना, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना और मूवमेंट को डिटेक्ट करना। और नंबर तीन है कीमो रिसेप्शन। अब कीमो रिसेप्शन क्या होते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं केमिकल स्टिमुली को, डिटेक्ट करते हैं स्मेल एंड टेस्ट, यानी ये केमिकल स्टिमुली को डिटेक्ट करते हैं डिटेक्टिव एज, जैसे कि स्मेल और टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, उन्हें हम कीमो रिसेप्शन कहा जाता है। तो ये तो हमारा हो गया कि सेंसेशन क्या होती है, हमारा सेंसरी सिस्टम किस तरह से काम करता है, हमारा सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी सेंसेशन को डिस्कस करना है। तो आज मैं अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह हम करेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।